हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं एटम एंड न्यूक्लियाई। सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल एटम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और बच्चे इग्नोर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, लेकिन हमारा टारगेट बहुत अच्छा है, फुल मार्क्स चाहिए, इसलिए कमी नहीं छोड़नी कहीं पर। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर बन सकते थे हमने आज डिस्कस करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। एटम की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में डाल्टन ने बताया था कि सबसे छोटी यूनिट जो हो सकती है वो एटम है, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया। फिर थॉमसन ने बताया कि एटम जो है वो वाटरमेलन की तरह होता है, उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सीड्स की तरह उसमें कहीं कहीं पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये सारा बताया। फिर थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस आ गई थी। थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस क्या, कांट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, याद आ रहा कुछ, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड न्यूक्लियस या फ्रॉम ए न्यूक्लियस, हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस है, सॉरी अवॉइड कीजिए। दूसरा, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स इज डिस्क्रीट, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, ठीक है ना, कैन नॉट एक्सप्लेन, कांट एक्सप्लेन, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब लाइन स्पेक्ट्रम आता है, जैसे मान लो कोई स्क्रीन है इसमें लाइंस आती हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। तो ये दो इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन किसकी, थॉमसन की। कभी कभार एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए, याद कर लो इसको, एज इट इज दो नंबर का आएगा, दो नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा आता है रदरफोर्ड, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। रदरफोर्ड ने इन चीज़ों को तो एक्सप्लेन किया ही किया, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, क्या वो भी हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा कि भाई लार्ज एंगल स्कैटरिंग क्यों नहीं हो पाई वो मैं बताऊंगा, और स्पेक्ट्रम जो डिस्क्रीट है उसके बारे में वो नहीं बता पाया, फेल हो गया था वो। कैसे, रदरफोर्ड ने जनरली ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ रदरफोर्ड और गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट। गीगर मार्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि आपको पता कि ये दोनों गीगर मार्शन जो आपका रदरफोर्ड है इसके कोवर्कर थे, गीगर मार्शन रदरफोर्ड के कोवर्कर थे, इसके नाम से भी जाना जाता है ये। तो नीट एंड क्लीन डायग्राम में अगर आपको चाहिए तो हम लोग यहाँ पे एक लेड बॉक्स लेंगे, यहाँ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कोई भी आपका न्यूक्लियर सोर्स, यहाँ से ये इस टाइप से अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे हम लोग कोलीमीटर लगा देते हैं, कोलीमीटर इसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल की जरूरत नहीं क्योंकि इससे छोटी कोई हो ही नहीं सकती, अप्रोक्स इसकी जो थिकनेस है वो 10^-8 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें तो हम यहाँ पे एक स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं। जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जिंक सल्फाइड की कोटिंग से इसके ऊपर एक मटेरियल आ जाता है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकराएगा तो अब फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगी, और वो फ्लैश ऑफ लाइट इतनी कम इंटेंसिटी की होती है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप यूज करना होता है, इस टाइप से यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप भी यूज होता है, माइक्रोस्कोप, और यहाँ जो एंगल है फाई इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो ये डायग्राम इस टाइप से बनेगा, जो माइक्रोस्कोप है इसको यहाँ पे घुमाया जाता है, तो आपको जहाँ पे जिस एंगल पे ज़्यादा फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देंगे वहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे,
यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, एक फाइन बीम में कन्वर्ट होंगे कोलिमेटर से, इसके बाद गोल्ड फॉइल से जाएंगे। गोल्ड फॉइल पर टकराने के बाद होगा क्या वो हमें चेक करना है, इसके लिए स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। कोटिंग से जब अल्फा पार्टिकल इस पर गिरेगा तो अल्फा को तो हम देख नहीं सकते, तो फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगी, वो जितनी ज़्यादा फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगी उतने ज़्यादा अल्फा होंगे, पर कहाँ पे कितने हैं इसके लिए एक माइक्रोस्कोप लिया, इसको अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया जाएगा, तो जिस एंगल के ऊपर ज़्यादा अल्फा मिलेंगे इसका मतलब वहाँ पर अल्फा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस फाई को जीरो से लेके हमने काफ़ी एंगल तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 180 तो नहीं लेकिन यूँ मान लीजिए 180 तक हमने घुमाया इसको, तो क्या ऑब्जर्वेशन आती है वो हमें डिस्कस करनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला सवाल ये आता है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ रदरफोर्ड या गीगर मार्शल एक्सपेरिमेंट। आप ड्रॉ कर देंगे अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर आज तक तो आया नहीं लेकिन आ सकता है, गिव फीचर्स या गिव द पॉइंट्स ऑब्टेंड फ्रॉम दिस ग्राफ या फ्रॉम दिस डायग्राम या फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। गिव द पॉइंट्स ऑब्टेंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, या तो ये पूछ लें, या आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ दिस, या फिर एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, सुनना ध्यान से, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड टू स्कैटरिंग एंगल, थीटा मान लो, स्कैटरिंग एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। देखो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन आया हुआ है ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इसी में एक क्वेश्चन आया हुआ है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल। तो यहां देखिए, यहां मैं एंगल लू 20 40 60 80 100 120 140 160 180 थीटा, थीटा किस में, डिग्री में दिखाई दे रहा है, विजिबल है आपके पास इस टाइप से, और यहाँ 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5 10 इज टू पावर 6 10 इज टू पावर 7 तो ये ग्राफ इस टाइप से बनता ही हूँ। तो इसका मतलब जो 180 का एंगल होता है उस टाइम ये नियरली सीधा हो जाता है इस टाइप से, बात समझ भाई। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो पेपर में ग्राफ प्लॉट करना आ जाए तो एंगल ले लो 20 40 अप टू 180, 10 की पावर 1 2 3 4 5 7 7 से शुरू करो, 10 की पावर 2 के लेवल में लाके सीधा कर दो इसको, तो ये ग्राफ प्लॉट करना आ जाए, क्या दो नंबर का ग्राफ प्लॉट कर दोगे। तो आपको डायग्राम देखो, डेरिवेशन हमें आता है लेकिन इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रॉ आ जाए, प्लॉट ए ग्राफ आ जाए तो ये हम बना देंगे, ठीक है भाई ग्राफ बना देंगे। अब इसमें और क्या पूछ सकते हैं आपसे, देखो ग्राफ प्लॉट करवा दिया, इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन दिस ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, एंड व्हाट कंक्लूजन वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस ग्राफ, गिव फीचर्स ऑफ दिस ग्राफ। फीचर्स की अगर बात करें तो बेटा डायग्राम आपने बना लिया, यहां से कंक्लूजन क्या क्या निकलता है जरा देखो, एंगल जब आपका जीरो डिग्री है उस टाइम अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं, इसका मतलब जब एंगल जीरो है स्कैटरिंग नहीं हुई तो बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट, बहुत से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, बहुत से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, सीधे का मतलब ऐसे, बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल स्कैटर एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल हैं, 0.14% का मतलब 99.86% तो सीधे निकल गए, 0.14% ऐसे हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा पे स्कैटर हुए। तीसरा, 1 out of 8000
स्कैटर एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये इसी में ले लो। तीसरा, वन आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बैक एट 180 डिग्री, मतलब 12,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बैक आ गया। अब बैक का मतलब क्या होता है, यहां से अल्फा पार्टिकल चला सीधा गया और वापस टकरा के वापस आ गया, तो 180 डिग्री पे बैक आने का मतलब रिवर्स बैक, वापस आ गया। हम आगे पढ़ेंगे, तो क्या ये बातें समझ में आ गई, नीट एंड क्लीन डायग्राम बना देंगे, ग्राफ पूछ सकते हैं, ग्राफ के फीचर पूछ सकते हैं, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और भी क्वेश्चन घुमाते हैं यहाँ पे, इतनी बातें आपके समझ में आ गई, ग्राफ पूछेंगे हम बता देंगे। ओके, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन थे, इसके बाद क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे, क्या वाई वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्वेश्चन बन जाए वाई ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये कैसे एक्सप्लेन करना है हमें? तो सोचो एक्सप्लेनेशन में क्या, देखो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपने फुल लेक्चर पढ़ना है तो एटम न्यूक्लियर में जा सकते हैं, अपनी प्लेलिस्ट में जाकर फुल लेक्चर मिलेगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कंक्लूजन क्या आया था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। कंक्लूजन किसका आया था बोलो? अभी हमने पढ़ा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, तो कंक्लूजन क्या आया था ऑफ एक्सपेरिमेंट जिससे उसने लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को डिस्कस किया, क्या मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम का बहुत सारा स्पेस खाली है, बात समझ आई? टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास लाइज इन स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का बहुत सारा पार्ट खाली है और सारा पॉजिटिव चार्ज मास था वो छोटी सी जगह में लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है भाई। तीसरे पॉइंट की अगर बात करूं, साइज ऑफ एटम 10^-10 मीटर, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10^-15 मीटर, मींस एटम इज 10^5 टाइम्स bigger than nucleus, इन दोनों को डिवाइड करो ये आएगा 10^5 का मतलब है 100,000, 10 का मतलब एटम जो है वो 100,000 गुना ज़्यादा बड़ा है न्यूक्लियस से, इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम का स्पेस बहुत ज़्यादा खाली है, और एटम का स्पेस जब बहुत ज़्यादा खाली होगा तो अल्फा पार्टिकल वहाँ से सीधे निकल सकते हैं क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा वहां पे, अगर वो दूर होगा तो। अगर आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वहां से कंक्लूजन क्या निकलता है तो आप ये बता सकते हैं, अभी फीचर्स भी आएंगी, फीचर्स भी बताएंगे हम लोग, ये बातें समझ में आ गई। ओके, अब बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, सो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट और डिफ्लेक्ट एट थीटा लेस देन 90 डिग्री, या तो स्ट्रेट जाएंगे या डिफ्लेक्ट होंगे इससे,
ओनली फ्यू और फ्रैक्शन इज स्कैटर एट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये दो लाइन लिखने में आपका काम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ स्पेस एम्प्टी है इसलिए या तो सीधे निकल जाएंगे थीटा लेस देन 90 से वो डेविएट होंगे, और बहुत कम बचेंगे जो थीटा ग्रेटर देन 90 से, क्योंकि बहुत सारे निकल गए तो बचे कितने, कम, वो कम बचेंगे, वो 90 से ज़्यादा पे होंगे। ठीक है भाई, ये सवाल आ जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। ओके, ये भी कर लेंगे। डायग्राम आपने बना ही लिया, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट था, फीचर्स, कंक्लूजन। अब आती है, सुनना, फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसकी फीचर्स क्या आते हैं, हालांकि हमने जो कंक्लूजन बताया था वही चीजें हैं। पहली फीचर क्या आएगी, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास लाइज इन न्यूक्लियस, मतलब स्मॉल रीजन। आगे बात समझ में, इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज और मास में लाई करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर, मतलब प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, चौथा, साइज ऑफ एटम 10^-10 meter एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-15 meter। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये फीचर्स कई बार पूछ रहे थे पेपर में, राइट फीचर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, लिख लेंगे। ओके भाई, ये बात भी मुझे समझ में आ गई, कर सकता हूँ मैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं वो डिस्कस करें, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर, वो भी हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आ गई, हम कर सकते हैं। इसके बाद एक बार क्वेश्चन आ गया था, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट, बना देंगे। एंड हाउ विल यू फाइंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस, हाउ विल यू डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, और साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में या फिर पूछ लें, हाउ विल यू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाए तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, लेकिन साइज ऑफ न्यूक्लियस भी यहीं से आता है, समझ गए, साइज ऑफ न्यूक्लियस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी आपको निकालनी आनी चाहिए। तो कई बार आ जाता है डिफाइन, डिफाइन कैसे करें, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस व्हेन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना, ठीक है ना, चार्ज के टर्म में। तो ये लिख देंगे, डेफिनेशन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। अब करना क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का सेंटर, मान लो ये अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के मान ले इसकी यहां से आ रहा है, यहां पे आके रुक गया, काइनेटिक जीरो हो गई, तो ओनली पोटेंशियल हो गई यहां पे, तो ये यहां पे आके रुका, तो ये जो डिस्टेंस है
इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये, और ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है ये इसकी बाउंड्री को टच नहीं करेगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग रिपल्शन होता है, तो इसे थोड़ा सा पहले होता है, हमने ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा पास कर सकते हैं, ठीक है। तो नियरली ये आपको इसका साइज या इसकी रेडियस के बारे में बताएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस कुछ भी बता सकता है आपको, बात समझ में आ गई। अब हो गया क्या, करना क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी थी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू वाई आर, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के, जो न्यूक्लियस है इसका चार्ज कितना होता है, जेड, जेड होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ई चार्ज ऑन द प्रोटॉन, तो के जेड ई, अल्फा पे कितना चार्ज होता है टू ई, क्योंकि अल्फा में कितने प्रोटॉन होते हैं दो, दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दो प्रोटॉन, समझ गए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, ये न्यूट्रल है, ये दो चार्ज होते हैं, तो टू ई हो गया, डिस्टेंस मानी आर नॉट, तो आर नॉट को ऊपर ले आओ, तो ये हो गया टू के जेड ई स्केयर बटे में हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर को के भी मान सकते हैं हम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बाकी के मानेंगे तो के यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये आपका डेरिवेशन हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है साइज ऑफ न्यूक्लियस की फॉर्म में आता है, जनरली आपसे पूछेंगे ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड हाउ विल यू फाइंड द साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ओके। अब सीबीएसई ने इसके ऊपर दो क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, कैसे क्या पूछा हुआ है वो हम चलो देखते हैं, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्वेश्चन था, आप नोट कीजिएगा, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर, ठीक है, फाइंड द न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, बात समझ में आ गई होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए तो नई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, तो देखो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, आर टू के जेड ई स्केयर अपॉन काइनेटिक एनर्जी क्या है के, होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्केयर, और ये के कूलम्स कांस्टेंट है, इसको कैसे कर देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, ये कूलम कांस्टेंट होता है 9 10 की पावर 9, अलग चीज़ है, फर्स्ट नई डिस्टेंस के लिए 2 के सी जेड ई स्केयर, एनर्जी डबल कर दी, ये हमने डबल कर दी 2 के हो गया, अब जरा देखो ये सारा क्या है, यही तो है, 2 को छोड़ दो तो ये क्या हो गया आर बाई टू, तो नई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आ गई हाफ, अगर एनर्जी डबल होती है तो ये हाफ हो जाएगी, बाकी दिखाई भी दे रहा है यहां से, दो नंबर का सवाल आ गया था एक बार, ठीक है भाई। इसी टाइप से फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में एक पार्टिकल दे दिया अल्फा, एक दे दिया प्रोटॉन, और हमें देखते ही लगता है दोनों की अलग अलग होगी, एक कंडीशन दे रखी है कि एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हमने लास्ट एक दो लेक्चर पहले भी
डिस्कस किया था कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ यहाँ मान लो 20 वोल्ट यहाँ 10 वोल्ट डिफरेंस आ गया, एक चार्ज को छोड़ दिया तो चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, तो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से बढ़ रही है, वर्क डन बाय द सोर्स। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। बात समझ में आ गई, अब सुनना ध्यान से, फॉर अल्फा, अल्फा के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच आर अल्फा, क्या फॉर्मूला होता है, के कूलम्ब कांस्टेंट, ये न्यूक्लियस का चार्ज, अल्फा का चार्ज क्या होता है 2e डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, बट के सी अलग अलग लिखो इनको, अच्छी फीलिंग आएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो अल्फा का चार्ज 2e इंटू पोटेंशियल, 2e से 2e कैंसिल, ये आ गया के जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज बटे एम ए पोटेंशियल आर अल्फा। इसी टाइप से अगर मैं देखूं, प्रोटॉन के लिए क्या आ रहा है, प्रोटॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो के सी जेड ई न्यूक्लियस का प्रोटॉन के लिए ई, के सी जेड ई ई चार्ज इंटू पोटेंशियल, प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल। तो जरा सोच के देखो, आर अल्फा का फॉर्मूला भी के सी जेड ई बाई वी, के सी जेड ई बाई वी, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, आर प्रोटॉन बाई आर अल्फा 1/1 आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम, विजिबल आपके लिए दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद एक नंबर का सवाल आ जाए, फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, फॉर ए न्यूक्लियस ऑफ जेड एटी, फॉर ए न्यूक्लियस ऑफ जेड एटी एंड अल्फा रिवर्सिज इट्स डायरेक्शन, मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जा रहा है और वहाँ जाकर रुकेगा, वापस आ जाएगा, न्यूक्लियस का जेड 80 दे रखा है, अल्फा की करंट कितनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 2kZe² बाई काइनेटिक एनर्जी होता है फॉर्मूला, आर निकालना है, 2k कूलम कांस्टेंट 9×10⁻⁹, जेड 80 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है स्केयर, काइनेटिक एनर्जी 4.5 मेगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हैं तो इससे डिवाइड करते हैं, पता है, तो ये एक से कैंसिल, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। यहाँ अगर देखो 9×18 × 80/4.5, ठीक है, ये 9 है, ये 6 है, 6 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 10^19 में से 3×16, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हटाओ 0 ऊपर, 2 0 यहाँ से हटा दो, कितनी हो गई, 16 था ना ये, 14, ठीक है, ये हो गया R, सोल्व करेंगे तो 5.12×10⁻¹⁴ मीटर। तो आपको पता है न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10^-15 या -14 के आसपास होता है, तो उसी ऑर्डर में आ रहा है अप्रोक्स, बात समझ में आ गई। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन मेरे को और याद आ रहा है, क्या राइट ए फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एंड स्कैटरिंग एंगल, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th power of sine of ½ of scattering angle, साइन की पावर 4, थीटा बाई 2 स्कैटरिंग एंगल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इसके ऊपर आपका सवाल आ सकता है, ठीक है भाई, कर लेंगे।
ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें, इंपैक्ट पैरामीटर। एक नंबर का सवाल बन सकता है व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर, मान लो डेफिनेशन पूछ लें तो पता होना चाहिए। मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सेंटर से लाइन जा रही है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन। और मान लीजिए यहां से कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ऐसे मुड़ गया, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना इसको बी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बोलते हैं, बी। याद आया इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, बोलो। ये इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर। इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आ गई, अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है और सेंट्रल लाइन, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। बात समझ में आ गई। एक चीज और याद कर लो, बी जितना कम होगा, बी इज लेस, बी जितना कम होगा अल्फा इज क्लोज टू न्यूक्लियस, बी जितना कम होगा अल्फा न्यूक्लियस के पास होगा, पास होगा तो स्कैटरिंग इज मोर। मतलब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, स्कैटरिंग एंगल कह सकता हूं, थीटा के इनवर्सली है, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं शॉर्टकट, ठीक है ना। बाकी ये ना कोट थीटा के टर्म में आता है, थीटा अगर कम होगा तो बी ज्यादा होगा और थीटा ज्यादा होगा तो बी कम होगा, इस टाइप से होता है। आपको पता है कोट 90 क्या होता है, कोट 90 जीरो और कोट जीरो इन्फिनिटी, इस टाइप से उल्टा होता है ये। बाकी ये चीज़ याद करो, अगर बी ज़्यादा है, बी इज मोर, अगर बी ज़्यादा है बहुत दूर है तो अल्फा इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर है, स्कैटरिंग इज लेस, स्कैटरिंग क्या होगी, कम। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है भाई, बी से रिलेटेड बातें मुझे समझ में आ गई। If B equal to zero, impact parameter अगर zero है तो alpha particle central line के लंग जा रही है, तो alpha has head on collision, head on collision का मतलब है 180 degree से scatter होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से सीधा जाएगा तब भी back आएगा, और alpha particle अगर यहाँ जा रहा है इसका मतलब B कितना है, zero। क्या बात समझ में आ गई। और अगर बी इन्फिनिटी है बहुत ज़्यादा तो थीटा जीरो, स्कैटरिंग नहीं होगी, बी इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी। समझ में आई बात, तो ये छोटी छोटी बातें याद करो, बी थीटा के इन्वर्सली है, बी अगर ज़्यादा है स्कैटरिंग एंगल कम है, ठीक है भाई। इंपैक्ट पैरामीटर मुझे पता लग गया, अब इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर ना स्कैटरिंग दिखाओ। मान लो क्वेश्चन आ जाए तो ये न्यूक्लियस यहाँ से एक ऐसे गया तो वापस आ गया, हेड ऑन कोलिजन, एक मान लो ऐसे गया तो ऐसे मुड़ गया, ऐसे गया तो ऐसे मुड़ गया, ऐसे गया तो ऐसे मुड़ गया, और भाई ऐसे गया तो ऐसे मुड़ गया, एक ऐसे गया तो ऐसे, ऐसे गया तो ऐसे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहाँ अगर देखें ये थीटा 90 से ज़्यादा, ये थीटा 90 से ज़्यादा, यहाँ देखा है थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थीटा 180। तो अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास है तो 90 से ज़्यादा और न्यूक्लियस से दूर है तो 90 से कम, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया, आपको डायग्राम दे दिया, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया और आपको एक डायग्राम दे दिया। क्या डायग्राम दे दिया आपको, देखो सुनना ध्यान से,
ट्रेजेक्ट्री ट्रेस बाई डिफरेंट एल्फा पार्टिकल्स इन गीगर मार्शन एक्सपेरिमेंट इज गिवन एज। बात समझ में आ रही है? मान लो ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे गया वापस आ गया, पहली ट्रेजेक्ट्री। दूसरा पार्टिकल ऐसे दिया हुआ है, थीटा 90 से बड़ा। तीसरा आपको ऐसे दिया हुआ है, चौथा आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, पांचवा आपको थोड़ा सा ऐसे। तो ये अलग अलग दे रखे हैं आपको, और यहाँ से ऐसे करके एक लाइन ले आए, ये बी थीटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट नेम आर गिवन टू सिंबल बी एंड थीटा। पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया। तो बेटा बी क्या है भाई? बी देखो, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस है, तो बी क्या होता है? इंपैक्ट पैरामीटर, सिंपल सा सवाल था। थीटा स्कैटरिंग एंगल। तीन नंबर का क्वेश्चन आ गया था ये एक बार, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद आगे इसने पूछ लिया बी पार्ट में, व्हाट कैन यू से अबाउट वैल्यू ऑफ बी, व्हाट कैन यू से अबाउट वैल्यू ऑफ बी फॉर थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू 180। अब बताओ जो हमने डिस्कस किया था वही बातें आ गई। थीटा अगर जीरो है या थीटा अगर 180 है, तो बी की वैल्यू के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो देखो, एट थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब नो स्कैटरिंग। एट थीटा इक्वल टू जीरो देर इज नो स्कैटरिंग, इट गिव्स साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम का मतलब ये समझो, ये एटम, ये न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल यहां से निकल गया मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर आपको क्या दे रहा है? साइज। एटॉमिक रेडियस के बारे में बता रहा है। बात समझ में आ गई? एट थीटा इक्वल टू 180, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन इट गिव्स, आपको पता ही है साइज ऑफ न्यूक्लियस, हमने पढ़ा था ना, यहां पे ये ऐसे था, यहां से गया, यहां रुक गया, आर नॉट, साइज ऑफ न्यूक्लियस हमें मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको? इस टाइप से आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो अच्छा सवाल था, तीन नंबर में आया हुआ था, ये पूछ लिया। जब थीटा जीरो है, इसका मतलब कोई स्कैटरिंग नहीं है, इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू बतानी है, ये भी देख लो। इस केस में बी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। थीटा जब 180 होता है तो बी की वैल्यू जीरो, थीटा जब जीरो होता है तो बी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। या थीटा जब जीरो होता है तो आप ये मान के चलो बी क्या देगा? रेडियस ऑफ एटम हम कह सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम, और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। क्यों? एक एटम जो होता है उसमें कितने ऑर्बिट होते हैं? नहीं पता, बहुत ज़्यादा ऑर्बिट होते हैं, तो इन्फाइनिट भी कह सकते हैं। तो साइज ऑफ एटम का मतलब रेडियस ऑफ एटम देगा हमें ये, और ये बी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बी जीरो, यहाँ पे बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब एटॉमिक रेडियस, और कन्फ्यूजन हो रहा है तो हटाओ, एटॉमिक रेडियस ये हमें देगा। तो इस टाइप से इंपैक्ट पैरामीटर में, साइज ऑफ न्यूक्लियस में क्वेश्चन बन सकते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम बोहर मॉडल को बोलेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि घुमा देते हैं, पता नहीं चलता क्या होगा। लेकिन आज का लेक्चर पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन बनते थे हमने डिस्कस किए, इससे बाहर रदरफोर्ड में कुछ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए, और आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।